एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ा था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन आर क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इन 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? मीन्स किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? ठीक है, यह है। तो अगर अभी ऐसे क्वेश्चन दिख जाए तो क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। आगे पढ़ते कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। मीन्स अगर गर्ल्स जो है यक्स है तो बॉयज कितने होंगे? यक्स प्लस 8। अगर गर्ल्स जो है 5 है तो बॉयज कितने होंगे? 5 प्लस 8। तो हमेशा ध्यान लीजिए कभी ऐसे क्वेश्चन हो कि गर्ल्स के जो नंबर है वो बॉयज से क्या है 8 कम है या 8 ज्यादा है। जैसे इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो बॉयज है बॉयज जो है गर्ल्स से 8 ज्यादा है। तो मतलब अगर गर्ल्स की संख्या लड़कियों की संख्या यक्स होगी तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? यक्स प्लस 8 होगी। अगर बॉयज की संख्या 5 होगी तो गर्ल्स की संख्या कितनी होगी? 5 अगर गर्ल्स की संख्या 5 होगी तो बॉयज की संख्या कितनी होगी? 5 प्लस 8 हो जाएगी। मीन्स जितना भी होगा जितने ज्यादा होंगे उतने ही प्लस कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहां भी देखिए सबसे पहले हम राइट क्या करेंगे सॉल्यूशन। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। कह रहा है कि पहले वाली लाइन छोड़ दीजिए, सेकंड लाइन से चलते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। मीन्स जितनी लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या जो है उससे ज्यादा कितनी है? 8 ज्यादा है ना, 8 ज्यादा है। तो सबसे पहले लेट क्या करेंगे? जो कम होगा वही लेट किया जाता है। लड़कियों की संख्या कम है इसलिए लेट करेंगे। कौन सी संख्या? लड़कियों की। तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स मीन्स माना लड़कियों की संख्या बालिकाओं की संख्या लिख देते हैं सॉरी माना बालिकाओं की संख्या ये इक्वल कितने के है? यक्स। मान लो बालिकाएं कितनी है या गर्ल्स कितनी है? यक्स गर्ल्स है। तो क्या लिखेंगे? एंड द नंबर ऑफ बॉयज मीन्स और बालकों की संख्या और बालकों की संख्या बराबर। तो अगर लड़कियों की संख्या मैंने यक्स मान लिया है तो लड़के जो है यानी बालक जो है बॉयज जो है वो गर्ल से 8 ज्यादा है, 8 मोर है। मीन्स जितनी भी गर्ल्स होंगी ना उसमें अगर 8 प्लस कर दो तो किसके नंबर आपको मिल जाएंगे? बॉयज के नंबर मिल जाएंगे। कितने बॉयज है? मीन्स ये कितना हो जाएगा? यक्स प्लस 8 हो गया। इतना आया। अब हम चलते हैं आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब फर्स्ट लाइन पढ़िए। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन आर क्लास आर इन द रेशियो 7:5। यानी कि जो तुम्हारी क्लास की बॉयज है ना, क्लास की बॉयज का जो रेशियो दिया गया है वो 7 है और गर्ल्स का रेशियो 5 यानी 7:5 में दिया है। मीन्स जो हमारे क्लास में बॉयज है और हमारे क्लास की जो गर्ल्स है ना, जो क्लास के बॉयज है और जो क्लास के गर्ल्स है, तो इनका जो रेशियो दिया गया है वो कितना है? 7:5। मीन्स अगर हम इसको करते हैं यक्स अपान यक्स प्लस 8, यक्स अपान यक्स प्लस 8। कभी भी अगर रेशियो में लिखा 7:5 है मीन्स इसको हम 7/5 भी लिख सकते हैं। आप लोगों ने रेशियो पढ़ा होगा तो उसमें क्या करते थे, जब अपान में लिखा होता था तो उसको रेशियो में बना देते थे। जैसे कहीं पर 1/2 लिखा है जिसको 1:2 भी लिख सकते थे, तो इसको 1:2 को तो 1/2 भी लिख सकते हो।
और जैसे मान लीजिए 5 रेशियो 2 लिखा है, इसको 5/2 कर देते थे, जैसे लिख दिया है 2/3 2/3 कर देते हैं। तो उसी तरह से 7/5 है, मीन्स 7/5 मीन्स कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। तो बॉयज का रेशियो कितना है, 7 है, तो बॉयज पे। या फिर सबसे इजी तरीके से करिए, नहीं थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ यक्स इक्वल कर लीजिए, यक्स प्लस 8 हो गया। अब बताइए जो बॉयज है, बॉयज के रेशियो कितने दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज करेंगे, मीन्स जो ये वाला नंबर होगा ना, ये किसका होगा, 7 किसका होगा, बॉयज के साथ मल्टीप्लाई होगा। और जो सेकेंड है, सेकेंड मतलब 5 है, 5 है तो गर्ल्स का रेशियो बाद में किसका है, गर्ल्स का रेशियो, यानी मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे। इसमें ये हो गया, ये हो जाएगा 7 यक्स इक्वल इक्वल। अब ये 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। कभी भी अगर ऐसा दिखेगा कहीं पर भी, तो हमेशा जान लीजिए जो ब्रैकेट के अंदर होगा, ब्रैकेट के बाहर वाला, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म होंगे सबसे मल्टीप्लाई किए जाएंगे। मतलब अब ये 5 जो है इनके घर भी जाएंगे और ये 5 इनके घर भी जाएंगे, मीन्स दोनों के घर जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 इयर्स और प्लस प्लस है प्लस 5 × 8 ये हो जाएगा 7 इयर्स। अब यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, अब इसको इधर ले आइए तो -5 इयर्स हो जाएगा इक्वल इक्वल 5 × 40 7x था, 7x में से 5x माइनस करिए तो 2x आएगा और इक्वल कितना जाएगा 40, तो x इक्वल 40। इधर 2 और x के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, तो उधर जाएगा तो अपान 2 हो जाएगा, है ना। अब डिवाइड कर लेते हैं तो 40 है अपान 2, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, यानी कितना आया 20, तो x इक्वल कितना आ गया 20 आ गया। फाइंड आउट क्या करना है हमें, टोटल क्लास स्ट्रेंथ पहले हमें निकालने, क्या हियर द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स का मतलब यक्स, यक्स का मतलब 20 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, एंड द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल यक्स प्लस 8, तो यक्स कितना दिया गया है 20, तो 20 प्लस 8 कर लीजिए कितना आ गया 28 हो गया। और टोटल क्लास स्ट्रेंथ क्या लिखेंगे, सो टोटल क्लास स्ट्रेंथ मींस, इसलिए कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर कितना हो जाएगा, तो जितने आपके नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 20 है, और प्लस जितने आपके नंबर ऑफ बॉयज है मीन्स कितने 28, ठीक है, कितना हो जाएगा 20 + 28 करिए तो कितना हो जाएगा 48 मींस कितना टोटल क्लास स्ट्रेंथ है 48। अगर आपको आंसर चेक करना है ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, सेकंड लाइन पढ़िए, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी जितनी भी नंबर गर्ल्स के नंबर है, गर्ल्स की संख्या है, बालिकाओं की संख्या है ना, वो जो है बालकों की संख्या से 8 कम होनी चाहिए, 8 कम होना चाहिए, या जो बॉयज है नंबर ऑफ बॉयज है वो क्या होना चाहिए, गर्ल्स से 8 मोर होना चाहिए। तो देखते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 20 है और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 28, तो बॉयज के नंबर में से गर्ल्स का नंबर माइनस करो, अगर 8 आ जाए तो समझ लेना सही है, तो 28 में से अगर हम 20 माइनस कर दें तो 8 में से 0 गए 8, 2 में से 2 कुछ नहीं, मींस कितना आया 8, मतलब कि जो नंबर ऑफ बॉयज है वो गर्ल्स से कितने हैं 8 मोर है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए, आज हमारा क्वेश्चन 10 हुआ कंप्लीट, कल हम लोग 11 पढ़ेंगे। और क्वेश्चन है कि इसलिए पढ़ा रहे हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, जैसे 2-3 क्वेश्चन एक साथ पढ़ा लेंगे, कुछ बच्चे बोलते हैं मैम 2-3 क्वेश्चन पढ़ाइए,
दो तीन क्वेश्चन एक साथ पढ़ाने पे बेटा समझ नहीं आएगा आप लोगों को अच्छे से, क्योंकि थोड़ा बड़े क्वेश्चन है, तो एक ही पढ़िए, अच्छे से पढ़ेंगे इसको तो आ जाएगा। और थोड़ा इस पे एक दो बार कर लिया करिए घर पर, अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अच्छे से आएगा। थैंक यू, एंजॉय करिए।